पंडित जी आपने जैसे बोला हमने बिल्कुल वैसे ही किया। हमने आज निर्जला उपवास रखा है और हम मंदिर भी नंगे पांव आए हैं। आगे क्या करना है हमें? बेटा आपने पहला पड़ाव तो पार कर लिया आज, अब आपको इस मंदिर की सफाई करनी है। हाँ, ठीक है, हम सफाई भी करेंगे। बेटा जी यहाँ आइए। चलिए जी। बेटा जी इस जगह की भी सफाई करनी है, पर एक बात ध्यान रखना, निर्जला उपास के बाद भूखी प्यासी इतने बड़े मंदिर की साफ सफाई करना बहुत ही कठिन काम होगा। पंडित जी जानकी दृढ़ निश्चय है, उसने अगर तपस्या करने का प्रण ले लिया है तो अब उसे कुदरत भी नहीं रोक सकेगी। वो अपने पति के लिए मुश्किल से मुश्किल परीक्षा को भी पास कर लेगी। हे भोलेनाथ हम पर कृपा करना, आशीर्वाद देना हमें कि हमारी ये तपस्या पूरी हो और हर्षी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बस हर्षी की ठीक होते ही हर सवाल का जवाब सामने होगा और वो गुनहगार भी जिसने हर्षी की ये हालत की है। जानकी तुमने प्राण लिया था इस तपस्या को पूरी करने का, उठ जानकी उठ, उठ जा बेटा, तू पार्वती का रूप है, पति की शक्ति है तुझ में, उठ बेटा उठ जानकी उठ। जानकी क्या हुआ बेटा? ये सब मेरे कारण ही हो रहा है, अब मैं सोचती हूँ कि मैंने तुझसे ये सब क्यों कहा करने के लिए। नहीं नहीं रंगीली जी। जानकी बेटा मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ, तुम्हारा गला सूख रहा होगा ना। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं।
हमें ये व्रत निर्जला रखना है ना, हम पानी नहीं पी सकते। और अब ये मंगलसूत्र देख रही है, ये आशी कह रही है जब तक ये हमारे गले में ना रंगीली जी, हमारा नहीं गला सुन सकता है और हमें कुछ हो सकता है। बेटा तुमने मंदिर तो बड़े अच्छे से साफ किया है, लेकिन तुम्हारी इस तपस्या का अंतिम पड़ाव अभी बाकी है। पंडित जी हमें बस बताइए हमारा आखिरी पड़ाव क्या। बेटा अभी सूर्योदय में 2 घंटे बाकी हैं। जब तक सूर्योदय नहीं होता तब तक तुम अपने हाथों में अखंड ज्योति लेकर शिवलिंग के सामने घुटने के बल 108 परिक्रमा करने होंगे, और वो भी बिना रुके। जी पंडित जी हम इस अंतिम परीक्षा में भी जरूर सफल होंगे। जानकी बेटा तुमसे हो जाएगा, एक हो जाएगा बेटा, करो। तुम्हें तपस्या पूरी करनी है जानकी, तुम कर लोगी बेटा, तुम कर लोगी। हमें पूरा विश्वास है प्रभु कि हमारी तपस्या भी पूरी होगी, हर्षी ठीक भी होंगे और उनकी इस हालत के पीछे जो भी जिम्मेदार है वो भी सामने आएगा। निन्यानवे। हाँ जानकी बेटा एक ही बाकी है बेटा। हम समझ गए आपका ये इशारा प्रभु, हम समझ गए।
बच्चा जी, जानकी तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, तुम सच में पार्वती का रूप हो जानकी। जानकी जी अब तो हमारे हर्षदीप हो जाएंगे ना। हाँ जानकी, मुझे पूरा विश्वास है भगवान तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल जरूर देंगे। तुम देखना जानकी, भगवान तुम्हारे हर्ष को कैसे ठीक करते हैं। समय आ गया है सच सामने आने का, राज से पर्दाफाश हो जाने का। बच्चा जानकी, गिरी जी बुराई चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, पर जीत हमेशा सच्चाई की होती। दुनिया की किसी अच्छाई में ये ताकत नहीं है कि वो हमको रोक सके या फिर हमारा खेल बिगाड़ सके, ठीक है ना? हमारे रहते हर्ष कभी ठीक नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा पागल दीवाना, दिमाग से बच्चा। इसका मतलब उस रात हर्ष का एक्सीडेंट आपने करवाया था? एक माँ की आपने अपने खुद के बेटे को पागल बना दिया? बताते हैं, ये भी तुमको बताते हैं, ये सब कुछ हमने ही करवाया है। लेकिन अफसोस कि जो हम चाहते थे वो हुआ नहीं। हमने हर्ष का एक्सीडेंट उसको पागल बनाने के लिए नहीं किया था, उसको मारने के लिए किया था। लेकिन वो मरा ही नहीं, तो फिर हमने कुछ ऐसा कर दिया कि वो एक जिंदा लाश बन के रह गया, किसी काम का नहीं। क्या करता रहता है? गुड़िया गुड़िया जानकी गुड़िया। हर्ष है ना, अब वो 5 साल पहले वाला हर्ष कभी नहीं बन सकता। क्यों राजेश? पिछले 5 साल से माँ हर्ष को दूध में मिलाकर ऐसी दवाई दे रही हैं कि वो ठीक नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है कि हर्ष को कंट्रोल करने के लिए मुझे उसे डोज देनी पड़ेगी। हाँ दे दो उसे।
एक माँ हो के अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकती है कोई सोच नहीं सकता। अब सबके सामने शास्त्री खानदान की बहू, हर्ष की माँ, और आपकी असलियत कुछ और। लेकिन एक बात मत भूलिएगा, जिस दिन आपके पति राम शास्त्री को आप दोनों के बारे में पता चला वो आपको छोड़ेंगे नहीं। तुम ये छोड़ दो कि वो हमारे साथ क्या करेंगे, तुम ये सोचो कि हम तुम्हारा क्या करेंगे। ये जो नाजुक सी जिंदगी है ना तुम्हारी, हमारी मुट्ठी में, जब तक मुट्ठी बंद है तब तक तुम जिंदा हो, जहां मुट्ठी खुल गई ने अपने बेटे की ऐसी हालत की, उसने मुझे क्यों जिंदा छोड़ा? बताते हैं, वो भी बताते हैं। तुमको जिंदा छोड़ने के पीछे एक वजह है, हम तुमको तुम्हारी जिंदगी दे देंगे लेकिन तुमको हमारी एक बात माननी पड़ेगी। मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे? तुमको हमारी मदद करनी होगी, जानकी को इस घर से और हर्ष की जिंदगी से बाहर निकालने में, क्योंकि जब से जानकी इस घर में आई है ना, हर्ष सुधरने लगा है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगा है, और हम ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। खून खोलता है हमारा। टेंशन मत लो, जानकी ऐसे दिखाती है कि बड़ी होशियार है, बहादुर है, लेकिन है नहीं, बहुत कमजोर है अंदर से, अकेली भी है। हमारी एक चाल और उसका पत्ता साफ, हम ये चाल चलने वाले हैं और उसमें तुम हमारा मोहरा बनोगी। राजेश भैया ने फिर से कुछ नहीं किया ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कैसे लगी आपको भाभी? ये सब बस जानकी ठीक कह रही है, राजेश ने कुछ नहीं किया है। दादी ये सब, ये तो किसी की कठोर तपस्या के कारण हुआ है। तपस्या? शिखर बेटा तू जल्दी से डॉक्टर को बुला। दादी आपको कैसे पता चला? जानकी बेटा हम जानते हैं कि तूने इस बसंत पंचमी हमारे हर्ष के लिए इतनी कठोर तपस्या की और किसी को बताया भी नहीं। तू सच में पार्वती का रूप है बेटा, जो अपने पति के लिए हर हाल में हर कठिनाई में अपनी तपस्या पूरी कर लेती है। दादी ये हमारा फर्ज है हर्ष के प्रति, हमारा कर्तव्य है उनके प्रति, बस हम चाहते हैं ना हमारी ये तपस्या सफल हो जाए, वो ठीक हो जाए। वो अगर पहले जैसे हो गए ना तो घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे बेटा कि वो तुम्हें तब
और त्याग से प्रसन्न हो, वो तेरी हर इच्छा पूरी करे। तू हमेशा खुश रह बेटा। हमें पूरा विश्वास है कि हमें इस तपस्या का फल जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल हर्षी ठीक हो ही जाएंगे। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।